आगे बढ़ाने का आज हम इस प्रेस वार्ता में अपनी संकल्पना को व्यक्त करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। इसको हटा पीछे। ये बताते हुए कि जो हमारा सपना था वह आज साकार होते हुए दिख रहा है। जिस समता मूलक समाज की स्वामी विवेकानंद ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जो देश के पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष थे, उनकी जो परिकल्पना थी समतामूलक समाज के निर्माण का, और समतामूलक समाज निर्माण का जो मोर्चा बनाया गया जिसमें कोई भी दल, बस बाध्यता ये रखी गई कि जो 11 सूत्री कार्यक्रम है जिसमें जन जन को भोजन उपलब्ध कराना, गुरुकुल की शिक्षा, समान शिक्षा जन जन को उपलब्ध कराना, और अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसका इलाज कराना जैसे घर का मुखिया करता है, वही जिम्मेदारी जो प्रतिनिधि चुन के जाता है जनता का उसका है। और हम लोग अगर सरकार बनाते हैं तो 11 सूत्री कार्यक्रम है, उसमें इन तीनों चीज को उपलब्ध करा के जन जन को, देश के नागरिकों को शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से स्वस्थ बना के, बंद कारखानों को चला के जो बेचा गया है उनको अधिग्रहित करके, समान टैक्स 5% का न्यूनतम टैक्स हर चीज पे लगा के, टैक्स के माध्यम से जनता के धन को लूट जो है उसको बंद करना है। और इसके साथ साथ न्याय प्रक्रिया 180 दिन में देने की, इसके लिए कानून बनाना, जो ट्रांसफर उद्योग है इसको खत्म करके ट्रांसफर को पनिशमेंट में डालना, जो लोग गलती करें उनको अंडमान निकोबार भेजा जाए। और इसके साथ साथ जो प्रत्याशी हमारा चुनाव लड़े वो एक शपथ पत्र देगा घोषणा पत्र के साथ कि अगर हम इस कार्यक्रम के विपरीत जाते हैं तो देश का कोई भी नागरिक हमारे विरुद्ध अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। मोदी ऐसे, ये जो आर्थिक आतंकवादी है ये सफल न हो पाए। इसलिए आज बहुत खुशी की बात है कि जनता ब्रिगेड पार्टी, और अभी हमारी चर्चा हुई बुंदेलखंड मोर्चा से, वो भी साथ में आ रहा है। स्वागत। और हम सब, और आज ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का जवान असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतमगमय। हमारे भारतवर्ष का जो मोक्ष सापेक्ष त्यागमार्गी जीवन दर्शन है, यही पूरे विश्व के भोगोन्माद को नियंत्रित करता है। आज पूरी दुनिया भोगोन्माद के चलते बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। वर्ग संघर्ष, आपस में राष्ट्रों का संघर्ष, परिवार में भी संघर्ष आरंभ हो गया है, क्योंकि मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव में असुरत्व तो आ गया है, आसुरी स्वभाव पनप गया है। 80% जनसंख्या देश की नहीं दुनिया की राक्षस हो रही है, मांसाहार कर रही है, आपका पूरा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी का नाश हो रहा है, जलवायु परिवर्तन एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट है पूरे विश्व के सामने। यदि मनुष्य जिम्मेदार है इसके लिए, इस असंतुलन के लिए, तो जिम्मेदार विवेकवान लोगों को ही इसके नेतृत्व के लिए, इसके संतुलन के बढ़ाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए भी आगे आना होगा। इसी दृष्टिकोण से परिवार मूलक सामाजिक प्रबंधन की भावना से हम लोग इस देश में स्वच्छ राजनीति अभियान की संकल्पना को लेकर आए हैं, क्योंकि बाहर बाहर हम लोग अरण्य रोदन करते रहेंगे कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि इस देश में जो आसुरी शक्तियाँ आपस में कंपैक्ट हैं, एक एक गाँव में दलाल चंडाल चौकड़ी जो बैठी हुई है गाँव से लेकर के और पार्लियामेंट स्तर तक, जो हमारे पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स मठाधीश कॉरपोरेट, ये सब आपस में एक गिरोह है, आपस की मिलीभगत से शोषण की व्यूह रचना सशक्त है।
भ्रष्ट मीडिया उसमें भी सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि मीडिया पूरा दूध का धुला है, पर ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे गंदे हैं। कुछ आप जैसे भी लोग हैं जो आज हमारे बात को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जिसके डीएनए में शुद्धता होगी, जो राष्ट्र के प्रति, उन बलिदानियों के प्रति कृतज्ञ होगा, वो जरूर सत्य की आवाज़ बनेगा, वो जरूर सत्य को जिएगा। इसलिए हम लोग साहस रखते हैं, सत्य में हो जयते नानरतम, सत्य पराजित कभी नहीं होता, परेशान हो सकता है। इसलिए सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं। बस इसी अवधारणा को लेकर के हम लोगों ने संकल्प लिया है कि वयम अग्रे चलिष्यामः, चलिष्यामः निरंतरम, दुर्जनान दंडिष्यामः, रक्षिष्यामः च सज्जनान। सज्जन शक्ति को संगठित करना होगा, सदाचार के मानकों को जो आचरण से प्रमाणित करेगा वही समाज का नेतृत्व कर सकने में सफल होगा। जब तक ये दुराचारी, कदाचारी, भ्रष्टाचारी, अस्मतखोर, रिश्वतखोर, झूठ बोलने वाले, धौंस देने वाले, धमकी देने वाले लोग इस सिस्टम में बैठे रहेंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे पॉलिटिशियन हों, जब तक ये लोग रहेंगे अस्तित्व में, तब तक सदाचारी व्यक्ति जैसे भागीरथ खड़ा हो जाए, भागीरथ और ये मालती, ये जो माता बेटा आए हैं दोनों, जिस तरह से ये लोग रो रहे हैं समाज के अंदर, 50 चक्कर लगा रहे हैं 2016 से इस तथाकथित राम राज्य की व्यवस्था को देने वाले लोग, राम के नाम का प्रयोग करने वाले लोग, जिस तरह से देश में अभय समाज की बात करते हैं, बताएंगे अपने शब्दों में तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ मालती, घनश्याम तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ। ब्रिगेड पार्टी सूबेदार वीर सिंह चौहान, दिल्ली से आता हूँ। जो आज हमारी प्रेस वार्ता है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सबसे पहले तो मैं समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके, हमारे एस एन श्रीवास्तव साहब, उनका हम जो है स्वागत करते हैं जनता ब्रिगेड पार्टी की तरफ से। और आज हम एक विलय का जो है प्रावधान लेके आए हैं, हम सब मिल रहे हैं, सब मिल करके, जो साहब के, एस एन श्रीवास्तव साहब के जो विचार थे और हमारे विचार लगभग मिलते जुलते हैं, सब एक ही हैं। तो आज हम ऐलान करते हैं यहाँ लखनऊ से सब मिलकर के साथ में, कि जनता ब्रिगेड पार्टी और समतामूलक परिवार समाज जो है मिलकर के, हम यूपी में, उत्तराखंड में और पंजाब में प्रयास करेंगे, 100% उम्मीदवार हम उतार रहे हैं। जहाँ तक कोशिश होगी, प्रायोरिटी हम अपने भूतपूर्व सैनिकों को देंगे। हमारी 50% महिलाएं जो है चुनाव में हम अपने प्रत्याशी बनाने का संकल्प लेके आए हैं। बाकी सभी पार्टियों ने महिलाओं का सिर्फ इस्तेमाल किया है, लेकिन हम सैनिक होने के नाते ये कहना चाहेंगे, जो भी हमारी बहन, जो हमारी माता चुनाव में आना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है, हम उसका स्वागत करते हैं। जनता ब्रिगेड पार्टी जो बनी है उसका मूल कारण यह है, क्योंकि हम सैनिक अपने जिस हंसते खेलते समाज को, देश को, वतन को आज से 35 साल पहले छोड़ के गए थे। समाज के अंदर भाईचारा होता था, प्यार मोहब्बत होती थी, एक दूसरे के सुख दुख में हम शरीक होते थे। हम 30-30 साल वहाँ पर देश के लिए गोलियाँ खाते रहे, देश को बचाने के लिए, और देश की चिंता करते रहे। और जब हम वतन में वापसी लौटते हैं, तो जिस समाज को, जिस वतन को हम छोड़ के गए थे, उस पूरे समाज के अंदर, पूरे वतन के अंदर इन निकम्मे और गद्दार नेताओं ने अपने निजी स्वार्थ के कारण आज एक आग लगा के रख दी है। भाई से भाई को बांट दिया, जाति से जाति को बांट दिया और धर्म से धर्म को बांट दिया। आज आपने इसका एक छोटा सा उदाहरण, एक साल पहले दिल्ली के अंदर दंगे हुए, जिसका जो सरकारी आंकड़ा तो सैकड़ों के, 100 के आसपास दिखाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ उसकी संख्या उससे कहीं अधिक थी। आप उन घरों में जाके आप पूछिए, जिनके घरों के लाल गए, जिस माँ का लाल गया, जिस बहन का पति गया और जिस बहन का भाई गया, जिन बच्चों के पिता गए, आप उन घरों में जाके पूछिए साहब, उनके मन में क्या पीड़ा है। कभी कोई नॉर्मल आम व्यक्ति कभी दंगा नहीं चाहेगा। ये अपनी कुर्सी के निजी स्वार्थ के कारण आज तरह तरह की सेनाएं बना दी। सेना तो एक ही देश के अंदर, भारतीय सेना। आप सारे पत्रकार महोदय बताइए, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने हमें ये मौका दिया हमारे विचार पूरे देश में ले जाने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो सभी, आप सभी चैनलों का, जिस प्रकार से इन्होंने आज समाज को और देश को जिस प्रकार से खंडित किया है। सपना तो दिखाते हैं अखंड भारत का, बड़ा सुंदर पिक्चर बनाया है, हमारे भारत का मानचित्र है। भारत के उस मानचित्र में एक साइड तो बर्मा, म्यांमार इत्यादि कंट्रियों का उसमें ऐड कर रखा है, लेफ्ट साइड में आपने कहीं पाकिस्तान, इराक, ईरान, उनको भी ऐड कर रखा है। बड़ा सुंदर नक्शा, मुझे अच्छा लगता है। अखंड भारत लिख करके अच्छा सा उसमें सुने, अच्छा एक कलर कर रखा है, और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तरह तरह की सेनाएँ बना दी हैं, सेना तो एक ही देश के अंदर, भारतीय सेना। आज कहीं करणी सेना, कहीं भीम सेना, कहीं शिवसेना, कहीं परशुराम सेना, कहीं जाट सेना, कहीं यादव सेना, कहीं ठाकुर सेना, कितनी सेनाएं बनाएंगे। ये सारी एक सेना दूसरी सेना को गालियां दे रही है सिर्फ इनके बहकावों में आकर के।